हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हेलो, ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल. भव्या, वी आर टेकिंग डाउट्स. सॉलिसिटेड गेट आउट ले रहे हैं. होम असाइनमेंट वन एंड टू के. सो पहले होम असाइनमेंट वन के लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर वन जो है वो क्या है? द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर. तो याद है एससीपी में क्या होता था कोऑर्डिनेशन नंबर? एससीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, याद है? 12 था ना. एससीपी और एफसीसी दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 12 होता है. ओके, इसके अलावा सेकंड में द यूनिट सेल विद डायमेंशन. अब देखो, ए इज इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी बोलता है. इसके अलावा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बोलता है. ठीक है, सो कौन सा टाइप का यूनिट सेल हुआ है? दो सेम है, एक डिफरेंट है. तो टेट्रागोनल था ना इसमें, हमने जो लिस्ट ली थी उसमें क्या था? टेट्रागोनल था ना ये. ओके, देन क्वेश्चन नंबर थ्री. द एनायन ए फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग एंड एटम सी ऑक्यूपाई ओनली 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन इट. अब देखो क्या है, हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड तुम्हें बताया है किसमें? एफसीसी में या सीसीपी में. ठीक है, तो एससीपी में भी वैसे ही कुछ रहेगा. जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो है जेड इफेक्टिव ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो किसके इक्वल आ रहा था? एफसीसी का ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते थे, याद है? 4 होते थे ना, और जो कि जेड इफेक्टिव ऑफ यूनिट सेल के इक्वल भी था. यूनिट सेल का जो जेड इफेक्टिव होता था, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होता था वो भी 4 होता था, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 आते थे. ठीक है, सेम वैसा ही एससीपी में. जितना एससीपी का जेड इफेक्टिव है, मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जितने एससीपी में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, और उसका 2 times जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है. जेड इफेक्टिव ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ये याद रखना 6 होता है, एंड जेड इफेक्टिव ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड किसमें बोल रहे हैं? वे एचसीपी इन एचसीपी. ठीक है, सो जेड इफेक्टिव ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एचसीपी 6 होता है, एंड जेड इफेक्टिव ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो है ये इसका डबल कितना हुआ? 12 ये होगा. ठीक है, अब देखो हमारे पास ए जो है वो क्या है? ए बोल रहा है कि ए एचसीपी में. तो अगर ए एचसीपी में है तो जेड इफेक्टिव ऑफ ए क्या हुआ? सिक्स हुआ. जेड इफेक्टिव ऑफ ए 6 हो गया. इसके अलावा सी कितना हो गया? सी का जेड इफेक्टिव क्या आया? जेड इफेक्टिव ऑफ सी क्या हुआ? 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 है ना, तो उसका 2/3 जगह पर ये है. तो कितना आया ये? 4 आया. फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला हो गया A6C4 या फिर A3C2. ये आएगा. ठीक है, A3C2. A3C2 वाला कौन सा है? ऑप्शन. क्लियर है? रिया, उन्होंने बोला है कि ए जो है वो एससीपी में, ए जो आयन है वो किसमें? एससीपी में, और सी जो है वो
जितने भी ऑक्टाइड्रल वॉइड है उसके 2/3 जगह पर है। तो मैंने क्या बताया कि जो ऑक्टाइड्रल वॉइड का नंबर होता है ना, जेड इफेक्टिव ऑक्टाइड्रल वॉइड होता है वो किसके इक्वल होता है, वो जेड इफेक्टिव ऑफ यूनिट सेल के इक्वल होता है। ठीक है, तो ऑक्टाइड्रल वॉइड अपने पास कितने होंगे, जितना जेड इफेक्टिव ऑफ एचसीपी है, जेड इफेक्टिव ऑफ एचसीपी क्या होता था, 6 होता था, तो उतने अपने पास क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ ऑक्टाइड्रल वॉइड, और उसका डबल जो है वो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब 12। तो ए जो है वो कहाँ पर है, ए एचसीपी में, तो ए के नंबर कितने हो गए, 6 हो गए। सी जो है वो कहाँ पर है, वो 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सारे सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मतलब सी नहीं है, जस्ट 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सी है। सी का जेड इफेक्टिव कितना आया, 4 आया। ठीक है, सो दोनों का नंबर मिल गया, तो उसी से हम फॉर्मूला निकाल लें। क्लियर है, जैसे हमने एमएससीएल में किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने नहीं दिया था, क्वेश्चन नंबर 5। इन द क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम ए ऑफ रेडियस आर ए द मैक्सिमम डिस्टेंस द मैक्सिमम रेडियस ऑफ एटम बी दैट कैन बी फिटेड इन टेट्राहेड्रल वॉइड, क्या था, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। टेट्राहेड्रल वॉइड जो है उसके लिए स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्या होता था, 0.225 ग्रेटर देन इक्वल टू आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव, ये बताया था ना हमने, याद आया। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए ही बताया था ना, तो क्या आएगा, कौन सा होना चाहिए, 0.414 से छोटा हो। ओके, 0.414 के इक्वल नहीं, उससे छोटा, तो 0.414 तो नहीं आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ए ही हुआ ना, 0.414 से छोटा होना चाहिए। ओके, उसके इक्वल नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पर, 0.225 वाला आ जाएगा। देन सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, इफ द यूनिट सेल लेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड इज दिस देन इट्स डेंसिटी। तो देखो हमें क्या दिया है, लेंथ दिया है, यूनिट सेल का लेंथ दिया है, मतलब ए दिया है, तो ए कितना दिया, 600 पिकोमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं बिकॉज डेंसिटी में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, 600 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर, या हम बोल सकते हैं 6 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, सो व्हाट इज डेंसिटी, इट इज जेड इफेक्टिव इंटू मोलार मास अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। सो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा एनएसीएल का, एनए 4 है, सीएल 4 है, तो एनएसीएल कितने हो गए, 4 ही हुए ना। ओके, एक यूनिट सेल में कितने एनएसीएल है, 4, 4 इंटू मोलार मास 58.5 डिवाइड बाय एनए क्या हुआ, 6.02 इंटू 10⁻²³ एंड ए क्यूब आ गया अपने पास 6 × 10⁻¹⁸ का क्यूब। ओके, सो
ये 10^-24 हो जाएगा और ये 10^23 है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी 4 × 585/6.02 या अप्रोक्सीमेटली इसको हम क्या बोल सकते हैं, 6/4 बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं ना? तो क्या आएगा, ग्यारह 1.8, ओके, तो 1.8 आ रहा है, मतलब 1.79 होगा। देवी का 10^-12 मीटर में होता है कन्वर्जन, पीको मीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10^-12 आता है, हमने सेंटीमीटर में किया है, ठीक है। सो हमारे पास ये डेंसिटी आ रहा है 1.79 ग्राम पर सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन ए क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स ऑक्साइड द लैटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयन, 1/5 अब देखो लैटिस जो है वो ऑक्साइड आयन से बना है, और ऑक्साइड मतलब O2 नेगेटिव, तो O2 नेगेटिव जो है वो कहाँ पर क्या है बताओ, क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर बोला है, क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर, तो क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर मतलब कौन सा हुआ भाई, क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर मतलब CCP हुआ ना, तो O2 नेगेटिव जो है ये किसमें है, CCP या FCC में, मतलब O2 नेगेटिव के कितना होगा जेड इफेक्टिव, 4 होगा ना, ठीक है, तो ऑक्सीजन के आइटम कितने होंगे, 4 होंगे। इसके अलावा 1/5 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट आयन, मतलब X2 पॉजिटिव जो है वो कहां पर है, 1/5 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं यार, 8 होते हैं ना, तो उनका 1/5। इसके अलावा Y3 पॉजिटिव जो है वो कहां पर है, वो है 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो कितना है 8/5 एंड दिस इज 2, ठीक है। सो सिंपल रेशियो क्या होगा, X, Y एंड Z का, X के अपने पास हो गए 8/5, Y के हो गए 2 और नॉट Z, ओके कितने हो गए, ओके हो गए 4, तो क्या हुआ, इट इज X फोर बाय फाइव वाई ओ टू या फिर एक्स फोर वाई फाइव ओ टेन, यही आएगा ना, एक्स फोर वाई फाइव ओ टेन, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। देन क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 एलिमेंट X, Y एंड Z क्रिस्टलाइज्ड इन क्यूबिक सॉलिड लैटिस विद X एटम एट कॉर्नर, तो एक्स कॉर्नर पे है, वाई जो है क्यूब के सेंटर पर है, ठीक है, तो अच्छा एक्स कॉर्नर पर है तो एक्स का कंट्रीब्यूशन देखो, एक्स कितना है,
आठ कॉर्नर है और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8 होता है, तो एक्स वन हुआ। वाई जो है बॉडी सेंटर पर है, तो बॉडी सेंटर का तो वन ही होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। और जेड कहाँ पर है, जेड हमारे पास एजेस पर है, ठीक है। तो हमारे पास 12 एज है और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/4, तो ये कितना हुआ, 3 हुआ। फॉर्मूला क्या होगा, एक्स वाई जेड 3। क्लियर है। देन 9, ए कंपाउंड एक्स वाई क्रिस्टलाइज इन बीसीसी लैटिस विद यूनिट सेल लेंथ 480 if the radius of y positive is this, actually थोड़ा सा लाइक बाद में पढ़ेंगे, इट इज रिलेटेड टू CSCL, ये भी नहीं करा। वैसे BCC में मतलब क्या है कि बॉडी सेंटर पर होगा और कॉर्नर पर होगा, वैसे बोल सकते हैं। तो बॉडी सेंटर पर होगा और कॉर्नर पर होगा, चलो इसको बाद में लेते हैं, अभी नहीं लेते। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, if the edge length of unit cell of sodium chloride is this and the ionic radius of Cl negative is this, ionic radius of Na positive kya hoga? Yaad hai NaCl ke liye humne relation bataya tha, 2R positive plus 2R negative is equal to A, yaad aaya? To yahan se R negative kya aayega, it is A by 2 minus R positive. What is A by 2? 600 divided by 2 and minus R पॉजिटिव करेंगे, सॉरी उल्टा बोल दिया, Na पॉजिटिव का निकालना है। या सो R नेगेटिव कितना दिया है, इट इज गिवन एज 190, क्या गया ये, दिस इज 300 ना, 300 माइनस 190 इज 110। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 11 तो नहीं दिया था, 12 जो है उसमें बोला टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होंगे, तो ये हमने बताया ही है, थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि हेक्सागोनल में टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 12 होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, टेट्राहेड्रलॉइड 12, ऑक्टाहेड्रलॉइड 6, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 13, द रैंक ऑफ एटम इन द हेक्सागोनल यूनिट सेल, रैंक मतलब कब बात कर रहा है, जेड इफेक्टिव, तो हेक्सागोनल में जेड इफेक्टिव कितना होता है, 6 होता है ना, ओके, सो डी आ गया, CSCL वाला नहीं कराया अभी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 जो है यह कि हेक्सागोनल में हर एटम जो है, एक मिनट, इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय, कॉर्नर कितने से शेयर होता था यार, सर 13 नहीं समझा, 13 में बोला है कि रैंक क्या है, रैंक ऑफ एटम्स क्या है, तो इसका मतलब है जेड इफेक्टिव ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते थे हेक्सागोनल में, 6 होते थे ना, एचसीपी में जेड इफेक्टिव कितना होता था भाई, 6 होता था ना, नाउ इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय, तो ये हमने बताया था कॉर्नर कितने से शेयर होता है, 6 यूनिट सेल से शेयर होता था ना, दैट्स व्हाई उसका कंट्रीब्यूशन क्या लेते थे, 1/6 लेते थे, ओके, okay? तो इसमें बी आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16, द एन एलॉय ऑफ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड इज फाउंड टू हैव कॉपर कॉन्स्टिट्यूटिंग द सीसीपी लैटिस, तो कॉपर जो है सीसीपी में है, मतलब एफसीसी, तो कॉपर के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना, क्योंकि वो सीसीपी में है, एफसीसी में है। एजी जो है वो एच सेंटर पर है, एच सेंटर पर, तो एच सेंटर 12 और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4, तो एजी कितने आएंगे, 3,
इसके अलावा गोल्ड जो है वो बॉडी सेंटर पर है, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वन होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, यू फोर ए जी थ्री ए यू। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ए सब्सटेंस हैज डेंसिटी ऑफ 2 केजी पर डेसीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी जो है वो है 2 केजी पर डेसीमीटर क्यूब। इसको यू कैन कन्वर्ट इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सेम वैल्यू आएगी, इट इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा उसे बोला कि एफसीसी में है विद एज लेंथ ये, तो एज लेंथ जो है हमें कितना दिया, 700 पिकोमीटर, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो क्या आएगा, 700 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर, या 7 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर। मोलार मास निकालना है, तो डेंसिटी इज 2 इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव ऑफ एफसीसी क्या होता है, 4 × मोलार मास डिवाइड बाय एनए इंटू ए क्यू। तो यहां से मोलार मास कितना आएगा, 103.2 आ रहा है, ठीक है। तो 103.2 तो ऑब्वियसली थोड़ा अप्रोक्सीमेशन हुआ, 6.022 वगैरह लेंगे तो 103.3 आ जाएगा, ठीक है। तो 103.3 ग्राम पर मोल, ऑब्वियसली यूनिट ग्राम पर मोल हो जाते हैं मोलर मास की, तो ये हो गया। देन 19 नहीं था, ट्वेंटी दिया था ना, तो द साइज ऑफ टेट्राहेड्रलॉइड इज ग्रेटर देन ऑक्टेट्राहेड्रलॉइड, कौन सा करेक्ट है यार, किसका साइज बड़ा होता है, टेट्राहेड्रल का कि ऑक्टेट्राहेड्रल का? अरे साइज रेडियस रेशियो साइज रेशियो से देख लो ना यार, टेट्राहेड्रलॉइड का क्या होता था, टेट्राहेड्रलॉइड के लिए रिलेशन क्या था, आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव, किस रेंज में होता था याद है, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। टेट्राहेड्रलॉइड का क्या बताया था हमने, रेंज देख लो या वैसे देख लो, क्या बताया था, टेट्राहेड्रलॉइड क्या बोला था हमने, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्या होता है टेट्राहेड्रलॉइड का, 0.225 याद आया, और ऑक्टेट्राहेड्रलॉइड क्या बोला था, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर ऑक्टेट्राहेड्रलॉइड का क्या बोला था, 0.414 याद आया, तो कौन सा बड़ा होना चाहिए, टेट्राहेड्रलॉइड का नंबर ज्यादा होता था, नंबर टेट्राहेड्रलॉइड 8 होते थे, ऑक्टेट्राहेड्रलॉइड 4 होते थे, लेकिन यहाँ पर साइज की बात कर रहा है, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर टेट्राहेड्रलॉइड के लिए 0.225 एंड ऑक्टेट्राहेड्रलॉइड इज 0.414, कौन सा बिगर हुआ बताओ,
ऑक्टेटल वॉइड भी इधर हुआ ना, साइज में बड़ा कौन सा हुआ, ऑक्टेटल वॉइड ना, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। तो साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑक्टेट्रल वॉइड। ओके, एक मिनट, क्लियर है ना? ठीक है, देन इसके बाद ट्वेंटी वन है ना, ट्वेंटी वन होगा ना, ट्वेंटी वन का रिलेशन क्या था डायरेक्ट, वो तो पता ही है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या रिलेशन होता है, फोर आर इज इक्वल टू 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 ए, है ना। देन ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी सिक्स, 27, 28, 29, हाँ 29, तो 21 के बाद 29, 29 में क्या है, which of the following does not crystallize in the rock salt structure, rock salt structure मतलब तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो याद रखना ये किसका होता है, ये एल्कली मेटल हैलाइड्स का होता है, एक्सेप्ट सीजियम हैलाइड, ठीक है। जितने भी एल्कली मेटल हैलाइड है सभी का स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है एक्सेप्ट सीडीएम का, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो गया, डी हो गया। सीएससीएल का हम अलग से स्ट्रक्चर देखेंगे बाद में, ठीक है, सीएससीएल का बताएंगे कैसा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, मेटलिक गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस विद एजलेन दिस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड एटम्स, क्लोजेस्ट डिस्टेंस मतलब दो एटम के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2R, ये निकाल, ठीक है। तो FCC में क्या होता है, 4R इज इक्वल टू रूट 2A होता है ना, तो 2R कितना हुआ, 2R इज रूट 2A बाय 2, दैट इज A बाय रूट 2, सो कितना आएगा ये, इट इज 4.07 डिवाइड बाय रूट 2, कितना होगा, यार 2.878, क्लियर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। देन सर हाउ टू आर, अरे दो एटम के बीच का डिस्टेंस तो टू आर ही होता है ना, दिया है यार, दो एटम है इनके बीच का डिस्टेंस मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या है, टू आर ना,
ओके, टू आर डिस्टेंस होता है। नाउ 31 एज जेड है, सो नहीं कराया अभी। Now next is 32. 32 में क्या, the volume occupied by an atom in simple cubic units है। तो एक atom कितना volume occupy करता है, 4 by 3 pi r cube ना। तो simple cubic में r और a में क्या relation होता है भाई, आर और ए में क्या रिलेशन होता है? आर जो है होता है ए बाई टू, है ना। तो क्या आ गया ये, दिस इज 4 by 3 pi a cube divided by 8। हम बोल सकते हैं 4 तो कैंसिल आउट हो गया, इट इज पाई ए क्यूब डिवाइड बाय 6, यही होगा। ओके, देन 32 में द NiO adopts a rock salt structure, तो कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ Ni2 पॉजिटिव क्या होगा, तो ये तो हमने बताई है। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है, 6 होता है ना, ठीक है। सो 33 में D आ जाएगा। देन 34 नहीं कराया, 35 में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट नंबर 8 जब होता है तो क्या बताया था हमने, क्यूबिकल वॉइड होता है, बताया था ना। द इंटरमेटालिक कंपाउंड Li एंड Ag क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक लैटिस इन विच बोथ Li एंड Ag हैव कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ 8। तो क्यूबिकल वॉइड वाला आना चाहिए ना, मतलब हमारे पास एक बॉडी सेंटर पे हो गया और एक कॉर्नर पे हो गया, याद है। तो ओवरऑल इसको हम क्या बोल देंगे, बीसीसी बोल देंगे, है ना। जैसा हुआ हमारे पास हो, बीसीसी जैसा हो गया, ठीक है। तो मतलब Li अगर बॉडी सेंटर पे है तो एजी कहां पर हो गया, कॉर्नर पर, या अगर एजी कॉर्नर पर है तो Li कहां पर हो गया, बॉडी सेंटर। देन 36, यस रिया, then question number 36,
नाउ 36 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर एन NaCl लैटिस, तो बताइए हम 2R पॉजिटिव प्लस 2R नेगेटिव इज इक्वल टू क्या था, ए था, कौन सा होगा करेक्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा ना, देन इसके बाद थर्टी सेवन लिथियम सेलेनाइड मतलब एल आई और एस सी कैन बी डिस्क्राइब एज क्लोजेस्ट पैक्ड एरे ऑफ सेलेनाइड, तो सेलेनाइड जो है एस सी वो किसमें सी सी पे, तो एस ई जो है किसमें सी सी पी में मतलब एफ सी सी, तो एस सी के कितने होंगे फोर होंगे ना, इसके अलावा एल आई जो है वो कहाँ पर है सारे टेट्राहेड्रलोइड पर, तो टेट्राहेड्रलोइड कितने होते हैं एट होते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा एस ई फोर एल आई ए, ये हम बोल सकते हैं एस ई एल आई टू, तो कौन सा करेक्ट हुआ डी वाला करेक्ट, ठीक है, देन 38 अभी नहीं कराया पूरा, 39 में क्या है, फॉर एन आयनिक क्रिस्टल ऑफ जनरल फॉर्मूला ए एक्स रिया क्लोजेस्ट पैक एरे, अच्छा अच्छा क्लोजेस्ट पैक एरे बोला है क्यूबिक नहीं बोला है, कोई फर्क नहीं पड़ता है रिया, अगर तुम इसको एचसीपी लोगे तो क्लोजेस्ट पैकिंग हमारे पास दो ही था, एक तो एफसीसी था और एक दूसरा एचसीपी था, अगर तुम इसको एचसीपी लोगे तो भी सेम आएगा, क्यों बिकॉज नंबर ऑफ टेट्राहेड्रलोइड कितने होते थे टू टाइम्स ऑफ जेड इफेक्टिव होता था ना, ओके तो वहां से भी वही आता, अगर इसको एचसीपी लेते तो एस सी के 6 हो जाते और एल आई के 12 हो जाते, तो फॉर्मूला सेम ही आने वाला था, ओके चाहे एफ सी सी ले लो या एस सी पी ले लो सेम आंसर आएगा 37 में, नाउ 39 तो फॉर एन आयनिक क्रिस्टल ऑफ ग्रेटेस्ट जनरल फॉर्मूला ए एक्स द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो विल बी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किसका होता था ऑक्टेडलोइड का ना, ऑक्टेडलोइड के लिए क्या बताया था हमने रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था ऑक्टेडलोइड का और रेशियो किसके बीच में था आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव क्या था इसमें 0.732 से छोटा और 0.414 से बड़ा है उसके ऊपर, यही था ना, तो ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ बी वाला, फोर्टी वाला नहीं कराया था, 41 वो बाद में बताएंगे, अभी कि आप प्रेशर वगैरह अप्लाई करने पर उससे क्या होता है बाद बता देंगे, देन
42 में आर पॉजिटिव जो है हमें दिया है 126 पीएम और आर नेगेटिव जो है वो दिया है 216 पीएम। आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव क्या हुआ यार, 126 डिवाइड बाय 216 कितना है, 126 डिवाइड बाय 216 अगर हम करते हैं तो ये आता है 0.58। ठीक है, तो 0.58 आता तो किस रेंज में आ गया, कोऑर्डिनेट नंबर 6 वाली रेंज में आया ना। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 43, साक्षी विल टेक डाउट्स ओनली, डाउट लेक्चर है ना आज तो डाउट ही लेंगे। यस मानस मोस्टली। देन 43 दैट फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड coordination number ratio, sorry, the tetrahedral coordination the radius ratio is, so kya hota tha 0.225 se 0.414 na, D wala ho jayega. Then question number 44, a binary solid A positive B negative had a rock salt structure, rock salt structure matlab NaCl jaisa, if the edge length is this, so same wahi ho gaya, cation साइज दिया है ना, आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव क्या होगा ए बाई टू, हमें निकालना है एन आयन का साइज, तो इट विल बी ए बाई टू माइनस आर पॉजिटिव, तो कितना आएगा, कितना हो गया ए बाई टू मीन्स 400 डिवाइड बाई टू माइनस आर पॉजिटिव 75, 200 माइनस 75 कितना हुआ 125 ना, ओके सो ये आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है, 44 के बाद यस 45 भी गई था, सो 45 में क्या है, एन एलिमेंट ए हैज ए बी टाइप क्लोज पैक स्ट्रक्चर, द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज 300 पिकोमीटर, तो हमें क्या दिया, आर दिया, आर इज 300 पिकोमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर, याद है हमने एक फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर वाला, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर क्या बताया था हम, देखो h जो है वो हाइट ऑफ क्या था, ए बी ए बी जो एच पी पी था उसमें h था हाइट ऑफ यूनिट सेल, और डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर उसका h बाई टू था, तो वो क्या बताया था, हमने बताया था 1/2 ऑफ रूट ऑफ 2/3 आर, याद आया, 1/2 ऑफ रूट ऑफ 2/3 इंटू ए, और ए को जब हम 2 आर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आता था, ये आ जाता था ये वाला, ओके okay?
सो सब्स्टिट्यूट करके देख कितना आएगा ये, क्या हो जाएगा 300, किसी तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है। ऑप्शन में ये वाला नहीं दिख रहा ना कहीं, 300 × 2/3 आना चाहिए ना, पर ये ऑप्शन में नहीं है कहीं। टू एडजेसेंट का मतलब क्या है, एक छोड़ के एक, क्या टू एडजेसेंट मतलब ए और बी का ना, ए और बी का तो यही होना चाहिए। पीछे ए दिया है, एक मिनट रुको, चेंज नोट्स में यार थोड़ा चेंज कर लो। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर एच जो बताया था ना, उसमें थोड़ा चेंज कर लो। हमने एच आई थिंक बताया था एच, हमने आई थिंक तुम्हें ये बताया था ठीक है, इसका 2 times होगा।
हेलो या सो मैंने बोल रहा था कि उसमें थोड़ा करेक्शन कर लो। जो हाइट ऑफ यूनिट सेल है वो हमने ये बताई थी, एच मतलब रूट ऑफ 2/3 × a, इट इज एक्चुअली 2 times ऑफ दिस। मतलब हाइट हमारे पास क्या है, इट इज 2 times ऑफ रूट ऑफ 2/3 a। ओके सो इन टर्म्स ऑफ आर ये क्या हो जाएगी, 4 times ऑफ 2/3 × r ये हो जाएगी। ओके एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर ऑब्वियसली इसका हाफ हो जाएगा। ओके सो डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर इसका क्या होगा, हाफ, मतलब ये हमारे पास होगा डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2r वाला, है ना। तो क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ओके सो थोड़ा सा करेक्शन कर लो उसमें, ये करेक्ट आंसर होगा। देन आफ्टर 45 46 कर सकते हैं। सो 46 में क्या है, ए सर्टेन मेटल फ्लोराइड क्रिस्टलाइजेज इन सच ए वे दैट एफ एटम्स ऑक्यूपाई सिंपल क्यूबिक लैटिस वाइल मेटल एटम ऑक्यूपाई द बॉडी सेंटर ऑफ क्यूबिक। ठीक है सो एफ जो है वो कहाँ पर है, सिंपल क्यूबिक मतलब कॉर्नर पर। ओके सो एफ जो है वो उसका क्या होगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, और मेटल जो है वो कहां पर है, बॉडी सेंटर पर, तो उसका 1 आएगा। तो दोनों का 1 1 हुआ तो फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला हो गया n। ओके देन 47 48 नहीं करना है, 49। तो इन द सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर ईच Na पॉजिटिव सराउंडेड बाय 6 Cl नेगेटिव आयन नियरेस्ट नेबर्स एंड इतने Na पॉजिटिव आयन नेक्स्ट नियरेस्ट। अच्छा नियरेस्ट जो है वो अपने पास Na पॉजिटिव का अगर हम देखेंगे, ठीक है तो Na पॉजिटिव का नियरेस्ट जो है वो कौन है, Cl नेगेटिव है, जो कि कहाँ पर है, अगर हम Na पॉजिटिव को कहाँ पर ले, कॉर्नर वाला Na पॉजिटिव लें, सॉरी ये Na पॉजिटिव जो है ये एच सेंटर वाला अगर ले, तो एच सेंटर वाला Na पॉजिटिव है तो उससे फेस सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एच सेंटर और फेस सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, जब कॉर्नर वाला ले लो, एक ही बात है, कॉर्नर वाला भी नियरेस्ट कौन सा होगा, एच सेंटर पर भी Na पॉजिटिव है ना, Na पॉजिटिव एच सेंटर पर है एंड फेस सेंटर पर Cl नेगेटिव। ओके सो हमारे पास डिस्टेंस आ गया a/2, ठीक है सो Na पॉजिटिव जो है उससे a/2 डिस्टेंस पर क्या है, Cl नेगेटिव, ठीक है तो ये नियरेस्ट वाला हो गया। ओके Na पॉजिटिव जो है उसका नियरेस्ट एटम कौन है, Cl नेगेटिव, जो कि a/2 डिस्टेंस पर है। लास्ट वाले में क्या चेंज करना था, दोनों चेंज करने हैं ना, H भी चेंज करना और h/2 भी चेंज करना है, H जो है वो ये रहेगा और h/2 जो है वो ये रहेगा। हाँ तो Na पॉजिटिव का नियरेस्ट एटम कौन होगा, Cl नेगेटिव होगा, जो कि इससे a/2 डिस्टेंस पर होगा। ओके
तो कितना होगा एन ए पॉजिटिव जो है, देखो चलो बना के देख लेते, वहां से तुम्हें और क्लियर हो जाएंगे। तो हम एन ए पॉजिटिव ले लेते हैं, कौन सा लें, ये वाला ले लें, चलो ये वाला ले लेते हैं। तो ये वाला एन ए पॉजिटिव है, ये कौन सा बॉडी सेंटर वाला एन ए पॉजिटिव है। तो इससे फेस सेंटर का जो डिस्टेंस है, इससे फेस सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए बाई टू। ठीक है, ये एन ए पॉजिटिव है, इससे एन ए पॉजिटिव, एंड ये अपने पास है सी एल ए। ठीक है, ये अब एज सेंटर वाला ले लो क्योंकि यहाँ से तुम कंफ्यूज हो जाओगे। चलो ये हमारे पास क्या है, दिस इज एन ए पॉजिटिव। ओके, और इससे नियरेस्ट, इसका नियरेस्ट एटम कौन है, ये सी एल नेगेटिव। ठीक है, तो जिनकी डिस्टेंस क्या है, ए बाई टू है, तो ये नियरेस्ट ही होगा। नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा होगा यार, नेक्स्ट नियरेस्ट इसका एन ए पॉजिटिव ही होगा, जो कि कितने डिस्टेंस पर है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ, दोनों एन ए पॉजिटिव के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, सो ये नियरेस्ट वाला हो गया। नेक्स्ट नियरेस्ट क्या आएगा, एन ए पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट नियरेस्ट क्या आएगा, एन ए पॉजिटिव, और वो कितने डिस्टेंस पर आएगा, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, इट विल बी ए बाय टू स्क्वायर प्लस ए बाय टू स्क्वायर का रूट, यही होगी ना, मीन्स ए बाय रूट टू है ना। ओके, सो ये कितने होंगे बताओ, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितने होंगे एक पर्टिकुलर एन ए पॉजिटिव के अराउंड। अब जब तुम देखोगे पर्टिकुलर एन ए पॉजिटिव के अराउंड देखोगे, तो इस टाइप से कितने एन ए पॉजिटिव आ जाएंगे, एक क्यूब में देखो कितने आ रहे हैं, एक क्यूब में ऐसे देखो, इधर आ रहा है, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। ठीक है, तो एक क्यूब में ऐसे कितने आएंगे, चार आएंगे। ऐसे ही उधर साइड चार आ गए, फोर 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 16 हो रहे हैं क्या, नहीं इसमें गए तो ट्वेल्व आ जाएगा आई थिंक। यहाँ से थोड़ा इमेजिन करना डिफिकल्ट है, इसकी वजह अगर तुम ये लोगे बॉडी सेंटर वाले एन ए पॉजिटिव से अगर देखोगे, तो बॉडी सेंटर वाले एन ए पॉजिटिव के अराउंड 12 एन ए पॉजिटिव रहेंगे ए बाई रूट टू डिस्टेंस पर, जो कि एच सेंटर वाले हों। ठीक है, और हर एक का कंट्रीब्यूशन क्या लोगे, हर एक का कंट्रीब्यूशन क्या लिया जाएगा, हाँ तो एंड में वो 12 ही आ जाएंगे एक्चुअली। हर एक का कंट्रीब्यूशन लोगे तो भी वो क्या आएंगे, 12 ही आना, 12 आना चाहिए सर। यस, बना सकते हो एट ईच देवी का, हर एच सेंटर पर तुम डॉट बना सकते हो, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही आएगा ये। ठीक है, एक जो अपने पास बॉडी सेंटर वाला एन ए पॉजिटिव, इसके अराउंड देखो कितने एन ए पॉजिटिव है, तो 12 एन ए पॉजिटिव होंगे। बॉडी सेंटर वाला एन ए पॉजिटिव के अराउंड कितने एन ए पॉजिटिव होंगे, 12 एन ए पॉजिटिव। ठीक है, इसी टाइप से हम ये वाला एन ए पॉजिटिव की बात करेंगे, तो इसके अराउंड भी कितने एन ए पॉजिटिव आएंगे, 12 ही आएंगे।
चले आगे, तो 50 वाला अभी नहीं कर सकते, होम असाइनमेंट 2 पर चलते हैं। तो होम असाइनमेंट 2 जो है उसमें ए में क्या दिया है, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक स्ट्रक्चर व्हेन एटम्स ऑफ ए आर एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड बी एट फेस सेंटर। तो देखो ए जो है वो कहां पर है, कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जब लेंगे तो 8 × 1/8 करेंगे, ए कितना आया, 1 आया, और बी कहां पर है, फेस सेंटर पर, तो फेस सेंटर का कितना होता है 6, और एक का कंट्रीब्यूशन 1/2 लिया जाता है, तो 3 आएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए बी थ्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए बी टाइप का जो है उसमें व्हाट परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ लैटिस इज एम्प्टी। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ए बी मतलब एससीपी का पैकिंग फ्रैक्शन क्या था, 0.74, तो वॉइड फ्रैक्शन क्या होगा, 0.26, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी हो जाएगा। थर्ड वाला नहीं है, फोर्थ वाला भी नहीं है, फिफ्थ वाला देखो, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेड इन बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस विद एज लेंथ दिस द रेडियस ऑफ सोडियम एटम। तो बीसीसी की बात हो रही, तो बीसीसी में क्या, 4R = √3A, ठीक है, तो R क्या हो जाएगा, इट शुड बी रूट ऑफ 3 × A डिवाइड बाय 4, कितना आना चाहिए, तो ये आना चाहिए 1.857, ठीक है, 1.86। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। देन क्वेश्चन नंबर 6, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैव n1 एंड n2 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो बीसीसी में कितना एटम होता है, 2, और एफसीसी में कितना एटम होता है इफेक्टिवली, 4। तो कौन सा करेक्ट है, ऑब्वियसली बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ओके, नाउ नाउ 7 नहीं है, जो कोऑर्डिनेट नंबर पर एलिमेंट इन इट्स क्रिस्टल लैटिस इज 8, देन द पैकिंग इज, तो 8 कोऑर्डिनेट नंबर किस में होता है, बीसीसी में होता है ना, द कॉर्डिनेट नंबर ऑफ जेड एन 2 पॉजिटिव, ये वाला नहीं हुआ अभी। हाँ, 10th वाले में देखो क्या है, CaO एंड NaCl हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड नियरली द सेम आयनिक रेडियस, इफ यू यूज द लैटिस एनर्जी, याद है लैटिस एनर्जी क्या था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू पॉजिटिव इंटू क्यू नेगेटिव डिवाइड बाई आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव, यही था ना, तो बोल रहा है कि साइज वगैरह सेम, तो नीचे वाला पार्ट तो सेम हुआ, जस्ट चार्ज का मल्टीप्लीकेशन देखो, तो NaCl में चार्ज क्या है,
प्लस वन माइनस वन, और सीओ में चार्ज क्या है, प्लस टू माइनस टू। ठीक है, तो चार्ज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सी ए ओ में कितना है, 4 टाइम्स है ना। सी ए ओ में चार्ज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, 4 टाइम्स होगा। तो यू इज द लैटिस एनर्जी ऑफ एनएसीएल, तो एनएसीएल का अगर यू है तो इसका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ यू आ जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि चार्ज का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 4 टाइम्स। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी लैटिस विद एजलेन दिस रेडियस ऑफ एनी एटम, तो सेम वैसा ही हो गया ये तो। सो 4R इज इक्वल टू रूट 3A, आर क्या आएगा, 4.99 इंटू रूट 3 डिवाइड बाय 4, तो ये हमारे पास आएगा 2.16 एंगस्ट्रॉम। 2.16 एंगस्ट्रॉम मतलब 216 पिकोमीटर। तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन मेरे ख्याल से करेक्ट दिया होगा, अप्रोक्सीमेट आंसर दिया होगा उन्होंने। ठीक है, देन 12 नहीं करना है, 13 नहीं करना है, 14, 14 में क्या है, द रेडियस ऑफ द एटम इज 100 पिकोमीटर इफ इट क्रिस्टलाइजेस विद एफसीसी दैट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, मतलब ए निकालना है। तो 4R इज इक्वल टू क्या होता है, रूट 2A होता है एफसीसी के लिए, तो ए क्या हो जाएगा, 4R अपॉन रूट 2। So 4 into R is 100 divided by root 2, that is 1.414. So क्या आ जाएगा, 9 of these आएगा शायद ना। तो ये तो 282 आ रहा है, 282 पिकोमीटर। फोर आर इज इक्वल टू रूट टू, इज इक्वल टू 4R बाय रूट टू, 4 इंटू आर इज 100 divided by root 2 is 1.414. yes, so 282 आ रहा, तो obviously none of these होना चाहिए। ठीक है, 15 नहीं दिया। 16 में क्या है, which one of the following scheme of ordering closed pack sheet of equal size square do not generate closed packing, तो जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि अगर same layer place कर दें या atom के just ऊपर atom रख दें तो क्या उससे खाली स्पेस बढ़ जाता है। ओके, तो रिपीट नहीं होना चाहिए, एज इट इज नहीं आना चाहिए। तो मतलब अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो डी वाला जो है उसमें देखो क्या रिपीट हो रहा है, कैसे देखो, ए बी बी, ठीक है, रिपीट हुआ ना, रॉन्ग हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ए ए, तो ये रॉन्ग हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस बी बी का मतलब क्या है कि एटम के ऊपर एटम रख दिया, ए का मतलब क्या, एटम के ऊपर एटम रख दिया, एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, जो खाली जगह उसमें एटम रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर जस्ट एटम के ऊपर एटम रख देंगे या मैं बोलूंगा कि सेम लेयर नेक्स्ट वाली लेयर हो जाती है, तो उससे क्या वॉइड फ्रैक्शन बढ़ जाता है और पैकिंग फ्रैक्शन कम हो जाता है।
देन क्वेश्चन नंबर 17 इन एबसिसी लैटिस ए बी सी डी आइटम्स आर अरेंज्ड एट कॉर्नर फेस सेंटर ऑक्टाइडल वॉइड एंड टेट्राइडल वॉइड देन द बॉडी डायगनल कंटेंट्स. तो देखो हमारे पास ए कहां पर है, कॉर्नर पर है ना. तो कॉर्नर पर है तो किसी भी बॉडी डायगनल में कितने ए आएंगे, दो आएंगे ना. इसके अलावा ऑब्वियसली किसी भी बॉडी डायगनल में कोई फेस नहीं आएगा, ठीक है. तो बी कितना आएगा, जीरो, कोई फेस सेंटर नहीं आया. इसके अलावा ऑक्टाइडल वॉइड कहां पर होगा, जब हम बॉडी डायगनल लेंगे तो उसमें बॉडी सेंटर पर ऑक्टाइडल वॉइड आ जाएगा, ठीक है. तो सी की वैल्यू वन आ जाएगी. इसके अलावा डी जो है, हर बॉडी डायगनल मैंने बताया था कि दो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, ठीक है. सो करेक्ट कौन सा होना चाहिए, 2AC and 2D, 2AC and 2D. ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 18 में क्या, प्लेटिनम हैज एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर विद ए यूनिट सेल लेंथ 392 picometer. व्हाट इज द रेडियस ऑफ पीटी एटम. 4R = √2A लगाएंगे, ओके. सो आर क्या आ गया, √2A/4. तो 1.414 इंटू ए कितना है, 392/4. कितना है, 138.57, ओके, मतलब 139. ओके, ऑब्वियसली यूनिट क्या है, पिकोमीटर. देन 19 डिफेक्ट्स वाला है, नहीं हुआ अभी. 20 नंबर ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड्स पर एटम, तो ये तो बताया है. अच्छा, यहाँ पर भी दिया नहीं है कि कौन सा पैकिंग है ना, उन्होंने जस्ट क्लोज पैकिंग लिखा. तो क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल भी हो सकता है, क्यूबिक भी, बट ऑप्शन में जब देखेंगे तो हेक्सागोनल के अकॉर्डिंग आंसर है ही नहीं, है ना. हेक्सागोनल होता तो आंसर क्या आता, 6 आता. तो यहाँ पर क्या है, 4, ठीक है. नंबर ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं. इसके बाद 21 में क्या है, इन NaCl क्रिस्टल ईच Cl नेगेटिव सराउंडेड बाय 6 Na पॉजिटिव. ना कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का क्या होता था, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता था. और Na पॉजिटिव जो है 6 Cl नेगेटिव से सराउंड होता है, और Cl नेगेटिव जो है 6 Na पॉजिटिव से सराउंड होता है. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी हो जाएगा. 22-23 डिफेक्ट्स का है. 24 में द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस इज, तो बीसीसी में क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, 8 होता है ना. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 25 नहीं है अभी. 26 में क्या है, द डेंसिटी ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक इज दिस, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ यूनिट सेल, मतलब ए निकालना है. ओके, तो डेंसिटी 6.25 = Z, FCC का जेड होता है 4, इंटू मोलार मास इज 60.2 / 6.02 × 10⁻², एंड आ गया ए क्यूब. सो यहाँ पर ए क्यूब क्या हो गया, इट इज 4 × 60.2 / 6.02 × 10⁻², ये हमारे पास आ गया 10 times. तो दिस इज, अच्छा, 4.625 ही आएगा. तो क्या हो गया ये, दिस इज 10⁻²⁻²⁶.25 एंड वी कैन राइट इट एज 625. नीचे 625 हो गया, और ऊपर क्या आ गया, 10⁻²⁻². और भी आएगा क्या,
फोर कैंसिल आउट नहीं हुआ ना, 0.64 आ रहा है, ठीक है। तो -22 या हम बोल सकते 64 × 10⁻², ठीक है। ऑब्वियसली इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, यही आएगा ना, ठीक है। सो इसको अगर तुम पिकोमीटर में कन्वर्ट करोगे, पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻¹० से मल्टीप्लाई करवा, सो इट विल बी 400 पिकोमीटर। ओके, नाउ 27 नहीं हुआ, 28 भी नहीं है, 29। तो 29 में वेनेडियम क्रिस्टलाइजेस विद बीसीसी स्ट्रक्चर विद अ यूनिट सेल ऑफ साइज लेंथ दिस, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, तो 4R = √3a, यहाँ से r क्या आएगा, √3a/4, 1.732 × a = 3.011 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, 1.303, ठीक है। सो दिस इज रेडियस। इसके अलावा डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी इज बीसीसी का जेड इफेक्टिव 2 × मोलार मास कितना है, 50.94 डिवाइड बाय 6.02 × 10⁻², एंड रेडियस सॉरी ए क्यूब जो है उसमें ए लेंगे हम सेंटीमीटर में, तो 3.011 × 10⁻⁸ हो जाएगा सेंटीमीटर में, 10³। तो क्या आएगा ये, 6.26, ठीक है। तो 6.199 हो गया है ना, 6.199 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो दैट विल बी डेंसिटी।
ओके नाउ 30 जो है वो तो ये 30 कर सकते हैं। थर्टी में क्या NABR है, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है NaCl, डेंसिटी दिया है, यूनिट सेल लेंथ निकालना है। तो देखो डेंसिटी जो है वो क्या होगा, जेड इफेक्टिव इज 4 ऑफ NaCl इंटू मोलार मास अभी है NABR दिया ना, NABR से कितना हो गया 102.9 ना, डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10^23 एंड AQ। ओके नाउ डेंसिटी कितना है, डेंसिटी इज 3.203, तो ए क्यूब क्या आएगा, इट इज 4 × 102.9 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10^23 एंड साथ में आ गया 3.203, तो कितना आ रहा है 10^-24 में देख लेना कितना है एंड देन क्यूब रूट ले लेना। तो ये कुछ ऐसा है 213 × 10^24 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो इसका अगर हम लाइक क्यूब रूट लेते हैं तो ये आता है 5.97 × 10^8 सेंटीमीटर। ओके ये हमारे पास आ जाता है ए, निकालना कौन सी यूनिट में यार, निकालना है एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम में यही वैल्यू आ जाएगी 5.97 एंगस्ट्रॉम। ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। नाउ 31 CaCl टाइप है, अभी नहीं बताया। 32 जो है उसमें क्या है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज विद FCC लैटिस फॉर विच द साइड लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 4.0774 एंड डेंसिटी इज एवोगैड्रो नंबर निकालना। ओके सो डेंसिटी इज 10.53 इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव 4 FCC का, एटॉमिक मास 107.88 दिया है, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर तो निकालना है अभी एंड ए क्यूब, तो ए कितना दिया है, यूनिट सेल का लेंथ दिया है 4.0774 एंगस्ट्रॉम में, उसको मीटर में सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सो यहाँ से NA क्या आएगा, हाँ 30 एंगस्ट्रॉम में निकालो, जो आंसर है 30 में एंगस्ट्रॉम में ही होगा,
ये आ रहा है 6.04 × 10^23 6.045 × 10^23 ये आ रहा है एवोगैड्रो नंबर यूजिंग गिवन डेट. देन 23 का नहीं बताया, सॉरी 33 नहीं बताया, 34 जो है उसमें एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज्ड इन स्ट्रक्चर हैविंग एफसीसी यूनिट सेल ऑफ एज दिस मच पिकोमीटर कैलकुलेट द डेंसिटी इफ 200 ग्राम ऑफ इट कंटेन्स 24 × 10^23 एटम्स. तो डेंसिटी निकालनी है, तो मोलार मास एक्चुअली हमें नहीं पता है. ओके, व्हाट इज मोलार मास? तो देखो 24 × 10^23 एटम्स का जो मास है वो है 200 ग्राम. ओके, सो 6 × 10^23 एटम्स का मास क्या होगा? 200 / 24 × 10^23 × 6 × 10^23. ओके, सो क्या आ गया ये 50 जो है मोलार मास हो गया. ओके, सो मोलार मास मिल गया तो ऑब्वियसली डेंसिटी निकाल सकते हैं. सो डेंसिटी क्या होगा? तो एफसीसी है तो जेड इफेक्टिव इज 4. या फिर तुम इसको ऐसा भी कर सकते थे कि 4 एटम्स का मास निकाल लेते, 24 × 10^23 एटम्स का मास पता है ना, 4 एटम्स का मास निकाल लेते तो यूनिट सेल का मास आ जाता, डिवाइड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम कर देते. वैसे भी करते तो डेंसिटी आता, बट ठीक है. तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव इंटू मोलार मास दैट इज 50 डिवाइड बाय 6 × 10^23 एंड मल्टीप्लाई बाय 200 पिकोमीटर, उसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो ये आएगा 10^3. ठीक है, सो ये अंदर क्या हुआ, ये 2 × 10^-8 हुआ. तो आंसर क्या होगा? आई थिंक ये 41.66 आएगा. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा. देन 35 नहीं है, 36 में क्या है? सॉलिड इज फॉर्म एंड इट हैज 3 टाइप ऑफ एटम्स एक्स वाई एंड जेड. एक्स जो है ये एफसीसी में है तो ऑब्वियसली 4 होंगे. वाई जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड पर है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 8 होते हैं. और जेड जो है ये ऑक्यूपाइंग हाफ ऑफ द ऑक्टेहेड्रल वॉइड, तो हाफ ऑफ ऑक्टेहेड्रल वॉइड मतलब 2. तो फॉर्मूला क्या हुआ? X4Y8Z2 हम बोल सकते हैं X2Y4Z. क्लियर है? सो ये सॉलिड स्टेट जो है उसका होमवर्क हमने कर लिया. नाउ क्लियर है सॉलिड स्टेट क्या? थोड़ा क्लियर हुआ कि कैसे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने? देखो जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि या तो इमेजिन कर लो या कुछ चीजें याद रख लो. ठीक है, कहीं कहीं पे तुम्हें इमेजिनेशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जैसे नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट एटम आ गया है ना, तो वहां पर थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ सकती है नियरेस्ट एटम नेक्स्ट नियरेस्ट एटम वगैरह के टाइम. बट वो तुम याद रखोगे, मतलब नेक्स्ट नियरेस्ट कोई पूछता नहीं है, नियरेस्ट पूछेगा तो नियरेस्ट का नंबर तुम याद रख लो. ठीक है, और इमेजिन कर पा रहे तो अच्छी बात है. ये हमने डिस्कस कर लिया है. इसके अलावा किसी को कोई डाउट है क्या?
ओके सो मेरे ख्याल से किसी को और कोई डाउट नहीं है, तो चलो लेक्चर फिर एंड करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपना सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा लिक्विड सॉल्यूशन। ओके सो बाय, टेक केयर।